वोटर बोलिया में आज ईटीवी भारत की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले की पिहोआ विधानसभा में और चुनावी दौर चल रहा है। ऐसे में यहां की जनता से जानते हैं कि जो मौजूदा विधायक यहां से है उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम कराया है, जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे क्या वो वादे पूरे कर पाए या नहीं कर पाए, और आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा। तो यहाँ की जनता हमारे साथ उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे मौजूदा विधायक ने कितना काम आपके क्षेत्र में कराया जी। पहले तो आप सभी का अभिनंदन, ईटीवी और अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन। तो ये सौभाग्य लगाएं आप पिहुआ का, अभी महा माई सरस्वती की ऐसी कृपा है, यहाँ पर जो भी कोई विधायक बनता है वो विधायक नहीं बनता, वो डायरेक्ट मंत्री बनता है। तो मंत्री बनता है तो आज तक का जितना भी इतिहास देख ले, खाली एमएलए की सीट नहीं रही है, ये मंत्री का इसके साथ लगाव जुड़ाव काफ़ी है। तो देखिए, अब अगर हम पिछले 5 साल की या इससे भी पीछे जाएं, अगर हम धार्मिक स्थलों के ऊपर जाएं या बाहर हम समाज में जाएं, तो अगर विकास के नाम पर अगर हम जिक्र करेंगे तो उस समय तो ये होगा कि भी ये तो बस एक मात्र ये मजाक है विकास के नाम पर। आज जो पिहुआ की सड़कें हैं वो वैसी जैसी आज से 10 साल पहले थी वैसी टूटी पड़ी हैं। हाँ, एक मैं ज़रूर हमारे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अकबी जिन्होंने हमारे पिहुआ साथियों के साथ एक स्टेडियम का वादा किया था। वो स्टेडियम तो वो बनाने में असमर्थ रहे, मगर प्रवेश द्वार पर एक बड़े पहाड़ गंद का टिब्बा, यानी कि जो युगों युगों तक याद रखेंगे पिहुआ वासी, अभी आके हमारे को कोई किसी मंत्री ने सौगात दी थी, तो जो मंत्री जी का धन्यवाद है इतनी बड़ी सौगात जो दी है, इससे बड़ा क्या विकास कर सकते हैं वो। आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके चलेंगे मेरे भाई। तो राजनीति तो चलो ठीक है कि भी हम अपने कुछ निजी ताल्लुक के साथ भी हम आपस में मरने कटने भिड़ने लग जाते हैं, वो छोड़ के हम ऐसे करते हैं कि जो विकास करेगा, जो भी विकास करेगा हम उसको साथ देंगे, पूरा समर्थन देंगे। क्या कहेंगे मौजूदा विधायक ने कितने विकास कार्य अपने कार्यकाल में कराए हैं और कितने नहीं कराए? मौजूदा विधायक ने जो विकास करवाया वो तो आपके सामने ही है, जो करवाया उन्होंने, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो पिहुआ की जनता सारी जानती है। तो पिहुआ की जनता भी ये कहना चाहती है कि वो ऐसा विधायक आना चाहिए जो कहे और करे भी। तो विधायक जी ने जो कहा वो कुछ करा कुछ नहीं करा, तो ये कोई मज़े वाली बात नहीं है। यहाँ की जनता ये चाहती है कि यहाँ मौजूदा जो है अपना यहाँ कर आए और जनता के बीच में उनकी सुने और वो कार्य पूरे करे। तो कुछ कहे हैं कुछ नहीं किए हैं जी। क्या कहेंगे जितने वादे करके विधायक यहाँ से बने थे तो उतने कार्य कर पाए या नहीं कर पाए? एक भी कार्य नहीं कर पाए जी, कुछ भी नहीं कर पाए। उल्टा जो है सड़कों का, गलियों का, उनका जो है ना विनाश कर दिया, जो जैसे थी ना उससे भी बदतर हो गए हालात। ठीक है जी, कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। अगर बात करें, यहाँ पर काफ़ी प्राचीन स्थल है, यहाँ पर देश विदेशों से यहाँ पर जो अपने बुजुर्ग होते हैं, जो उनके पितर होते हैं, उनके निर्मित कार्य करने आते हैं, अनुष्ठान करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के किस प्रकार की व्यवस्था है, सफाई इत्यादि के यहाँ पर काम होता है नहीं होता है? ऐसे है, यहाँ पर जो है ना ये माँ सरस्वती का स्थान है और जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पूरे नेशनल लेवल पे। तो एक बार CM साहब आए यहाँ पे और उन्होंने कहा कि जो है ना इसको इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाएगा, और ये जिस कारण ये तीर्थ मशहूर है, प्रसिद्ध है माँ सरस्वती के जल के कारण, और इसका जो है ना जल निरंतर प्रभाव होगा। उसके बाद जो है ना दोबारा वो खुद यहाँ पर आज तक जितनी भी बार बसंत पंचमी मनी आ नहीं पाए। कारण क्या था, वो कह गए थे इंटरनेशनल लेवल पे मनेगी, काम कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए खुद खट्टर साहब को भी जो है ना शर्म आई भी यहाँ क्या कहूँगा क्या जवाब दूंगा, इसीलिए ना तो दोबारा त्यौहार मनाओ और ना दोबारा जो है उसमें जल की व्यवस्था हुई, ना इंटरनेशनल लेवल पे मनी, तो इस कारण जो है ना शर्म के मारे जो है ना वो आ ही नहीं पाए। किस मुद्दे से आके मांगेंगे वो यहाँ से? ठीक है, क्या कहेंगे भाई साहब जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे संदीप सिंह, जो विकास कार्य उन्होंने गुनवाए कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो कर पाए या नहीं कर पाए? उन सभी वादों को देखते हुए हमने BJP को वोट डाला था और हम BJP के ही वर्कर हैं,
पर देखा जाए तो काम तो हुए नहीं है यहाँ पे, ना तो यहाँ पे पुल ही बना है। पुल को ही लगभग 3-4 साल हो गए हैं टूटे हुए। जो उस तरफ जाने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उन सब का काम जो है ठप पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना जो वोट बैंक है यहाँ पे खुद ही कम किया है, लोगों के कार्य वगैरह ना करके। अगर सही तरह से कार्य करती बीजेपी तो आज मैं कहता हूँ इनको जो है वोट भी मांगने की ज़रूरत ना पड़ती, अगर कार्य करते तो। पर कार्य तो किए ही नहीं। अभी ये सरस्वती तीर्थ है, यहाँ पे बुरा हाल हुआ रहता है, जल का बड़ा बुरा हाल है। बाहर से लोग आते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है। जब यहाँ पे ब्राह्मणों को वो बोल करके जाते हैं कि यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, ये है वो है, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है इस सब को देखते हुए। तो यहाँ पे बड़े मुश्किल काम है। अब ये जैसे ऊपर लाइट लगी हुई है यहाँ पे, एक बार लगी है दोबारा ठीक नहीं होनी, ये है वो है। चीज़ तो लगा दी गई है, लगा दी तो उसकी मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। तो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, तो किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा और कैसा यहाँ से प्रत्याशी आप चाहते हैं? सबसे पहले तो हम जो है अब की बार ये देखने वाला होगा कि सरकार यहाँ पे स्थानीय निवासी को ही टिकट देती है या अब की बार भी किसी बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को देती है। क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति क्या काम करेगा? कोई स्थानीय व्यक्ति होगा जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, जनता की समस्याएं सुनेगा, उनका निवारण कर सकेगा। अब बाहर वाले को आप कितना मर्जी कहते रहो, उसको पता ही नहीं जनता क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो ही कर सकता है ये सब काम। तो क्या कहेंगे, विधायक ने कितना काम किया अपने कार्यकाल में? कुछ नहीं करा 10 साल के अंदर, कुछ नहीं करा। पैसा मोदी ने भेजा है लेकिन आया नहीं यहाँ, ना तो गरीबों को दिया ना यहाँ पेवे को दिया, पेवे उससे सगल ले कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है उनके कार्यकाल। परेशान इसी वक्त इसी पे चक्कर पीछे है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, घटने का तो नाम ही नहीं है कोई चीज़ की। अच्छा, अब इलेक्शन हो रहे हैं, 1 तारीख को मतदान होगा, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पेवे का कैंडिडेट कोई अच्छा होगा तो हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे? ऐसे है, आज तक का पिहोवा का इतिहास रहा है कि 1 नवंबर 1966 से जब से हरियाणा बना था यहाँ पे आज तक बीजेपी नहीं कभी जीती थी, लेकिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जो है ना पहली बार बीजेपी का कैंडिडेट उतारा था, भी जो जिताया था। तब से लेके हरियाणा का इतिहास रहा कि पेवे की सीट पे पहली बार जीता था, और वो जो है ना आगे के लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया इसने सुरमा ने कि गर्क ही कर दिया जमी। तो अब जो है ना भी जीतना तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी को जमानतें भी बचानी बड़ी मुश्किल होगी। और इनके पास 2-3 ही मुद्दे होते थे, एक तो गौ माता का था, और आज से पहले जब से बीजेपी नहीं आई थी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना हिंदुओं का गौ माता का था। और जब तक दूसरी सरकारें रही हैं हरियाणा हिंदुस्तान 6ठे नंबर पे रहा है बीफ के मामले में, और ये गौ माता करते थे और हिंदू करते थे। इनके होने पे जो है ना पहले नंबर पे आ रहा बीफ, इससे बड़ा इनका विनाश क्या होगा आने वाले समय में? जैसे 70 साल पहले गर्क थी ना ये, अब 70 के 140 साल गर्क चली जाएगी। देखिए, ईटीवी भारत के खास कार्यक्रम वोटर बोलिया में पेहुआ की जनता का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे विधायक हैं संदीप सिंह, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने काम नहीं करवाए जितने होने चाहिए थे। ज़्यादातर जनता यहाँ पर उनसे निराश दिखी, और यहाँ की जनता की सबसे बड़ी मांग है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि जो कोई भी पार्टी हो अगर प्रत्याशी बनाती है उसको टिकट देती है तो किसी बाहर को ना देकर स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए और यहाँ जनता के बीच में भेजा जाए। क्योंकि संदीप मूल रूप से अगर बात करें शाहबाद कस्बे से रहने वाले हैं, शाहबाद विधानसभा में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से उनको चुनाव लड़ाया गया और जीत गए, लेकिन उसके बावजूद वह इतना यहाँ पर जनता के बीच में नहीं रहे जितना रहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमारी रिपोर्ट के अनुसार जनता से बात हमने की है तो सबसे बड़ी मांग यही है कि जो कोई भी स्थानीय नेता हो उसको टिकट दिया जाए और जो यहाँ के विकास कार्य कर सके उसको ही वह अपना विधायक चुनेंगे। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।